कि कोल इंडिया ने अच्छा काम किया है। हमारे संकट के वक्त में आपने हमें कोल नहीं दिया, ने जो बताया परफॉर्मेंस के बारे में, हम तो एग्री करते हैं आपसे कि कोल इंडिया ने अच्छा काम किया है। हमारे संकट के वक्त में आपने हमें कोल नहीं दिया। हमारे जो भी कैप्टिव माइंड्स वाली है वो प्रॉब्लम में है, चंडीगढ़ में भी और पूरा मतलब नहीं पा रहा है। एक और मुझे बताया गया कोई टेस्ट लग गया है यहाँ पर, कोई कैप्टिव कोल माइंस की ये एक्सटर्नल हुई हुई है और आपने रेट्स बढ़ाई हुई है संकट के वक्त में, उसके लिए आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अशोक गहलोत साहब को न जाने क्या हो गया है, कभी उन्हीं अडानी को राजस्थान में इन्वेस्ट के लिए बुलाते हैं जिन्हें राहुल गांधी ने पानी पी पी कर कोसा था, और अब बीजेपी के मंत्री की खुलेआम तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को बीजेपी का कट्टर विरोधी माना जाता है, बावजूद इसके वो कोल इंडिया और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। राजधानी जयपुर के होटल मैरियट में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, सीएम अशोक गहलोत और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की मौजूदगी में एक एमओयू साइन हुआ। सीएम गहलोत ने मोदी के मंत्री की शान में कसीदे पढ़े कि आपने संकट की घड़ी में प्रदेश की काफी मदद की, राजस्थान में बिजली कटौती की समस्या से जल्द मुक्ति मिलने वाली है। दरअसल राजस्थान सरकार की बिजली कंपनी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और केंद्रीय कोयला मंत्रालय की कोल इंडिया लिमिटेड के बीच एक एमओयू साइन हुआ था। इस दौरान सूबे के मुखिया गहलोत जी ने खुलकर कहा कि कोयला संकट को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रदेश की काफी सहायता की है। सीएम अशोक गहलोत ने RVUNL कोल इंडिया सोलर प्रोजेक्ट एमओयू कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की काफी तारीफ की। जो बताया परफॉर्मेंस के बारे में, हम तो एग्री करते हैं आपसे कि कोल इंडिया ने अच्छा काम किया है। हमारे संकट के वक्त में आपने हमें कोल नहीं दिया। हमारे जो भी कैप्टिव माइंस वाली है वो प्रॉब्लम में है, चंडीगढ़ में भी और पूरा मतलब नहीं पा रहा है। एक और मुझे बताया गया कोई टेस्ट लग गया है यहाँ पर, कोई कैप्टिव कोल माइंस की ये एक्सटर्नल हुई हुई है और आपने रेट्स बढ़ाई हुई है संकट के वक्त में, उसके लिए आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और कोल वासी से भी हमारे कोल आना बंद हो गए, मतलब पूरा सर्कल ऐसा बन गया कि कोयले की कमी राजस्थान में हो गई। अब बीजेपी नेता और बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक ट्वीट कर गहलोत का ये वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि सीएम गहलोत बगावत की राह पर हैं। हमेशा बीजेपी की खामियां गिनवाने वाले अशोक गहलोत का यूं बीजेपी के मंत्री की तारीफ करना अब ना बीजेपी नेताओं को समझ में आ रहा है और ना ही कांग्रेस के नेताओं को। आखिर अशोक गहलोत अब सियासत का कौन सा मोहरा चलने वाले हैं, बस ये सिर्फ अशोक गहलोत ही जानते होंगे। राजस्थान में फिर से एक बार राजनीतिक कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। इस बार कंट्रोवर्सी का कारण है ये पोस्टर जो कि आप देख सकते हैं अशोक गहलोत का है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का इस पे चेहरा है, इन्वेस्ट राजस्थान का ये पोस्टर 5 अक्टूबर को यहाँ लगाया गया था, जिस पर एक नया विवाद छिड़ गया है। बीजेपी के राजस्थान प्रेसिडेंट सतीश पूनिया ने आज एक ट्वीट किया है, एक मीडिया रिपोर्ट को शेयर करते हुए उन्होंने अशोक गहलोत पर आरोप लगाया है कि एक तरफ राजस्थान में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी ओर यहां पर अशोक गहलोत के पोस्टर को सेव करने के लिए पुलिस वालों को लगाया गया है। हालांकि जो पुलिस अधिकारी है उनका कहना है कि ये एक जनरल प्रैक्टिस है, बगल में ही गांधी सर्कल है तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए और सुचारू मैनेजमेंट के लिए जो यहाँ पे पुलिस वालों को लगाया जाता है। इस पोस्टर के पीछे ही कनोडिया गर्ल्स कॉलेज है और उसके अपोजिट में एक और कॉलेज है, तो यहाँ पर एक जनरल प्रैक्टिस रही है सालों से पुलिस वालों को डिप्लॉय करने की। DCP ईस्ट राजीव पचार ने भी ये कहा कि उनके ऑफिस से कोई ऐसे आदेश जारी नहीं हुए हैं कि इस पोस्टर को सेव करने के लिए अलग से कोई पुलिस वाले लगाए जाए। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ जय किशन शर्मा, जयपुर।